Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कॉलर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आज की वीडियो की है फुल वीडियो होने वाली है एंड इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी कटिंग एंड इसके बाद स्टिचिंग जो है शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट है इसको चेक कर सकते हैं, इसी मेजरमेंट से जो है हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है ये करीब 1.5 मीटर के करीब है एंड अगर आप जो है कट स्लीव कुर्ती बना रहे हैं तो 1.5 मीटर में आपके अच्छे से बन जाएगी। अगर यहाँ पर स्लीव्स अगर ऐड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा 1.5 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये कपड़ा कॉटन में लिया है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पर जो है हम इसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाली जो साइड है यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है। तो हम जो है यहाँ पर इसी तरीके से लंबाई में इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं इसका लंबाई जो है इसको मेजर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी टोटल लंबाई आ रही है ये करीबन 43 इंच है, यानी कि 43 इंच। एंड इसके बाद जो है हमारा जो चेस्ट है इसका मेजरमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो कि कपड़ा है वो हमारे जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये ज़्यादा था तो मैंने कम कर लिया है। तो यहाँ पर हम जो मेज़रमेंट लेते हैं वो हमारी जो भी फिटिंग होती है उसका 4 भाग करके उसमें 2 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला साइड है इसको हम सीधा कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर मुंडों का निशान लगाएंगे, यानी कि शोल्डर, जो कि लगाने हैं हमें 7 इंच, क्योंकि 14 इंच शोल्डर थे तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। एंड उसके बाद जो इसकी लेंथ है वो हम लगाएंगे 7 इंच। यहाँ से भी मैं यहाँ पे मेज़र कर लूँगी क्योंकि फिर 10 से ज़्यादा हो जाता है एंड कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अगर आपको बिल्कुल भी शेप का थोड़ा बहुत भी इशू रहता है तो आप इस तरीके से जो है इसका मेज़र कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है मैं इस तरीके से इसे बॉक्स बना दूँगी। अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब जो है हम यहाँ पर चाक जो बनाएंगे उसका निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चाक ओपन करूँगी वो करूँगी 14 इंच पर एंड इसके बाद इन दोनों के बीच में निशान लगा लेंगे हम 7 इंच पर, जो कि हमारी कमर का निशान होगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लगा लेंगे जो चेस्ट की फिटिंग का निशान है जो हमारा 8.5 होगा एंड कमर का जो फिटिंग का निशान होगा वो हमारा 7 इंच होगा, क्योंकि 28 है तो इसका हम 4 वाला भाग ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो हमारा बैक होगा उसका भी हम यहाँ पे 4 पार्ट ले लेंगे। अब इन निशानों को इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे एंड फाइनली हम इसको इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। एंड यहाँ पर हमने जो 2 इंच मार्जिन लिया था आप यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास कपड़ा हो उस अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। तो मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे लगाएंगे मुड्डे की गोलाई का निशान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो बॉक्स बनाया था इसमें हम 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये जो मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था वहीं से हम यहाँ पर गोलाई का निशान लगा लेंगे। एंड यहाँ पर जो है मैं नेक का जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लूँगी 3 इंच पे, यहाँ पे केवल मैंने निशान लगाया था। एंड ये पूरा जो लाइन है इसको हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से एंड फाइनली हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो बैक पार्ट है। तो लीजिए हमारे बैक पार्ट की जो कटिंग है ये हो चुकी है अच्छे से। तो अब हमें तैयार करना है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ये हमारे बैक वाले पार्ट से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट वाली साइड के लिए, मतलब आगे वाली साइड के लिए। तो इस तरीके से हम जो है बैक वाला पार्ट इसको इसी तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। जिस तरीके से हमने बैक वाला पार्ट के लिए हमने कपड़ा फोल्ड किया था सेम उसी तरीके से जो है आपको कपड़ा फोल्ड करना है। एंड आगे की साइड के लिए हम यहाँ पर जो 2 इंच आपको दिख रहा होगा ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हम यहाँ से फ्रंट वाली जो ओपन कुर्ती होती है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मैं 2 इंच पे निशान लगा लूँगी आगे की साइड के लिए एंड इस पट्टी को जो है हम मोड़ देंगे बाद में सिलाई करते टाइम पे। एंड बाकी का जो हम बिल्कुल सेम रखेंगे और सेम रख के इस पूरे पे जो है निशान लगा लेंगे। एंड यहाँ पर जो है मुड्डों को हम 1/2 इंच के करीब जो है वो डाउन कर देंगे एंड इसकी कटिंग कर देंगे। तो फाइनली अब जो है हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने 2 इंच की यहाँ पे ये पट्टी कट की थी, इस तरीके से ये बाद में फोल्ड हो जाएगी और फिर ये बराबर हो जाएगा कपड़ा। तो चलिए अब जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है बैक वाला पार्ट। यहाँ पर जो है मैं पीछे से नेक जो होता है यहाँ पे इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पे करीब आप 1 इंच का ले लीजिए। यहाँ पे बस हम कॉलर अटैच करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी हम गहराई दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच की जो गहराई है दे दी है एंड इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने रखी है 3 इंच। तो इस तरीके से हमने जो है वो कट कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाला पार्ट जो था हमारा यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो इस तरीके से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे एंड इसके बाद जो है हम यहाँ पे नेक का मेज़र कर लेंगे। तो हमारी जो नेक की चौड़ाई रखनी है वो रखी है 3 इंच, क्योंकि हमने बैक वाले में भी 3 इंच रखी थी। एंड जो हमें नेक की लेंथ रखनी है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच, यानी कि गले की लंबाई जो है वो 3 इंच लेना है। एंड इसके बाद जो है इस तरीके से हम इसे बॉक्स बना देंगे एंड इस तरीके से हम हल्का सा यहाँ पे शेप दे देंगे राउंड का। आपको बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, हल्की से आपको राउंड करना है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कॉलर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम गले की कटिंग कर देंगे। आप ये पट्टी पूरी कट मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो फोल्ड करेंगे तो वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो क्या है ये बीच वाली जो पट्टी है इसको यहाँ से दोनों पार्ट जो है वो अलग कर दिए हैं। एंड यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे फ्रंट में जो हमारे मुड्डे होते हैं यहाँ पर मैंने 1/2 इंच के करीब गहराई दे दी है। तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। तो फाइनली कटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड जो कॉलर है वो हम बाद में काटेंगे, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो उसी टाइम इसका जो मेज़र कर लेंगे उसके बाद हम इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं फ्रंट वाले दोनों पार्ट। इसको हम जो है इस तरीके से अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मैं जो दोनों साइड है इनको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम किनारे की साइड जो है सिलाई लगा लेंगे। बहुत इजी कुर्ती है, बहुत ही सिंपली तैयार हो जाती है एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा आप समझना है, उसके बाद आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो एक वाली साइड है मतलब एक साइड सिलाई लगा ली है पूरी। तो हमारी एक साइड की जो पट्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम जो दूसरी वाली साइड है उसकी भी पट्टी यहीं पे फोल्ड कर लेंगे। तो बस इस तरीके से फोल्ड करके इसे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इस तरीके से जो है वो दोनों पट्टियों को सिल लिया है एंड अब जो है हम यहाँ पे ओपन करना है। ये हमें करना है 6.5 इंच पे, जहाँ पर हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे एंड यहाँ पर जो है हम एक हुक लगाएंगे, बाकी का जो हम बंद कर देंगे इसको। एंड दूसरा जो मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर से हम जो है इसको पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। जो पहला निशान है वो हुक का था एंड दूसरा से पूरा इस तरीके से हम बंद कर देंगे। एंड नीचे साइड से जो है हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। एंड यहीं से हमें जो है यहाँ पे निशान जो है वो कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे 12 इंच पे ये ओपन रहेगा इस तरीके से। तो चलिए अब जो है हम सिलाई लगा लेते हैं इसको। तो जो सिलाई है वो पूरा एक बॉक्स की तरह जो है इसको लगा लेंगे एंड ध्यान रखिएगा जो आपकी सिलाइयाँ हैं आपको सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, वरना आपकी जो सिलाई है वो दिखेगी तो गंदा लगेगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो नीचे वाली साइड आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम घुमा के सिलाई को एंड एक बॉक्स की तरह बना लेंगे और उसके बाद जो है सही से हम बैक कर लेंगे सिलाई को। तो बस बहुत ही सिंपली जो है ये तैयार हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है इसकी सिलाई समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो सिलाई है ये कंप्लीट हो चुकी है। बस इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसकी पट्टियाँ अच्छे से ज्वाइंट हो चुकी हैं। तो ऊपर जो है हम हुक लगा लेंगे एंड यहाँ पर जो है हम इस तरीके से बटन लगा सकते हैं। आप गैप कितना रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो बस बहुत ही अच्छे लगेंगे इस तरीके से आप बटन लगा लेंगे बीच में। तो अब जो है हम यहाँ पे मुड्डों को जो है वो अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले बैक वाला पार्ट रखा था, इसके ऊपर जो है मैं फ्रंट वाला पार्ट रखूँगी एंड इस तरीके से जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों मुड्डों पर जो है सिलाई लगा लेंगे। तो हमने जो है सिलाई लगा ली है, अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ।
तो अब जो है हमें यहाँ पे अटैच करना है कॉलर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरीके से जो है कॉलर को पकड़ना है हमें, और इसको बीच में जो है हमें एक कट का निशान लगा लेना है। और इसके बाद जो है हम इसको मेज़र कर लेंगे कि इसकी जो लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करीबन 8.3 इंच के करीब है, यानी कि 8.3। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है जो कि है 8 इंच चौड़ाई है इसकी, एंड 19.5 इंच जो है इसकी लंबाई है। तो हम जो है इस तरीके से इसको जो है डबल फोल्ड कर लेंगे, एंड उसके बाद जो है इस तरीके से हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे, एंड जो भी हमारी कॉलर की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो मैं जो यहाँ पे निशान लगा रही हूँ वो लगाऊंगी 8.5 इंच पे। एंड जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। तो अगर आपको जो कॉलर है वो ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से जो है इसको राउंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है हमारा जो कॉलर की जो भी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेज़र कर लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन आप ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कॉलर जो है मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा ही रखना है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कॉलर की जो लंबाई होगी वो रखनी है 3 इंच उस साइड से, एंड इस साइड से जो है मैं फुल ले रही हूँ। और इस तरीके से जो है मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी, एंड लास्ट में जो है हमें इस तरीके से जो है इसको शेप दे देना है। तो ये तरीके से बहुत ही परफेक्टली जो है आपका कॉलर कट जाता है। और उसके बाद जो है हम इसमें बीच में कट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से एंड बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो हमारा कॉलर कट चुका है। तो चलिए अब कॉलर को भी हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके तीनों साइड जो है हम सिलाई लगा लेंगे, एंड जो नीचे वाली साइड है ये ओपन रहेगा। एंड इसके बाद जो है हम इसको दूसरी साइड फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉलर जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब जो है हमें इसे अपनी कुर्ती में अटैच कर लेना है। अच्छा, जब भी आप कॉलर अटैच करें ना तो एक बार पहले उसे नाप लीजिएगा, जिससे कि आप बाद में पता चलिए आप नाप रहे हैं तो उस टाइम पे छोटा बड़ा होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप जो है जॉइंट हमारा जो बीच में आ रहा था इन दोनों जॉइंट्स को जो है मिलाकर इस तरीके से नाप लीजिए, और उसके बाद जो है आप कॉलर को सिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक साइड ओपन करके इस तरीके से कॉलर को जो है हमें बिल्कुल बराबर करके रखना है, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम इसके बीच में से सिलाई लगा लेंगे। तो बस 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जो है हमें पूरी में सिलाई लगा लेनी है। कॉलर को सिलते टाइम पे आपको कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, दोनों को आपको बराबर ही पकड़ना है, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल हमने बराबर रखा है। तो अगर आप कोई भी कपड़ा खींचेंगे तो हमारे कॉलर में जो है वो झोल भी आ सकती है, एंड जो कॉलर है वो हमारा छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब इस तरीके से हमें ऊपर की साइड जो हमारा जो भी कपड़ा था एक्स्ट्रा उसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करके, एंड इसके ऊपर जो है हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जो आप सिलाई लगाए ना वो सिलाई के ऊपर ही रख के आपको सिलाई लगानी है, वरना आपकी पीछे साइड से जो है सिलाई दिखेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो सिलाई हो वो सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए। तो बस इस तरीके से जो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। एंड इसी तरीके से जो हम लास्ट में अंदर की साइड पूरा कपड़ा फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से जो है इसकी कॉलर की सिलाई हो चुकी है, एंड बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है बाहर की साइड। तो अब जो ये मुड्डे वाली साइड है यहाँ पर हमें पाइपिंग लगा लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी स्लीव्स अटैच नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे सिंपली बस पाइपिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से दोनों को सीधा रख के हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर देंगे, और इस तरीके से जो है इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी जो यहाँ पे पट्टियाँ हैं ये ज्वाइंट हो चुकी हैं, एंड इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसे कुर्ती पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो इस पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पहली चीज़ हम पाइपिंग जो लगा रहे हैं
वो मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ और सीधी साइड को मैं फोल्ड करने वाली हूँ। एंड दूसरी चीज़, पाइपिंग जो होती है वो हमें खींच खींच के लगानी चाहिए, इससे जो है इसकी गोलाई अच्छी आती है। एंड पाइपिंग हमेशा तिरछी कटी होनी चाहिए जिससे कि ये खींचे तो अच्छे से खींच जाए। तो बस इस तरीके से जो है हम इसे खींच खींच के, आप जो मतलब ज़्यादा भी मत खींचेगा लेकिन हाँ आपको खींचना है पाइपिंग। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से पूरे में जो है उसको सिलाई लगा ली है और इसके बाद जो है इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा लेंगे। बहुत ईजीली जो है ये फोल्ड हो जाएगी। अगर आपकी जो पाइपिंग पट्टी है वो आपने तिरछी काटी है तो अच्छे से जो है ये फोल्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारे यहाँ पे पाइपिंग लग चुकी है। तो फाइनली हमारी कुर्ती में सारे काम हो चुके हैं। अब हमें बस लास्ट में इसकी फिटिंग करनी है एंड इसके जो चाक हैं वो हमें बना लेनी है। तो चलिए मैं इसकी फिटिंग कर लेती हूँ, इसके चाक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसकी फिटिंग कर ली है एंड चाक तैयार कर ली है। तो फाइनली हमारी कुर्ती जो है वो स्टिच हो चुकी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।